बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम द टीचर ऑफ सुपीरियर मॉडल स्कूल एंड आई टीच जनरल साइंस ऑफ क्लास 5th। टुडे आवर लेक्चर नंबर 4th एंड इन आवर प्रीवियस लेक्चर लेक्चर नंबर 3 वी हैव डन सोर्सेस ऑफ लाइट एंड आवर टुडे टॉपिक इज ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन बुक पेज नंबर 75। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज ल्यूमिनस एंड व्हाट इज नॉन ल्यूमिनस। तो बच्चों, ल्यूमिनस हम उस चीज को कहते हैं जिसमें अपनी ही रोशनी हो, मतलब कि वो अपनी ही मतलब नेचुरली उससे रोशनी आई। ल्यूमिनस का असल मतलब है चमकदार, ठीक है। और नॉन ल्यूमिनस मीन कि अब एक चीज़ आती है और वो एक चीज़ के साथ टकराती है, मतलब रिफ्लेक्ट होती है और उससे लाइट निकलती है। फॉर एग्जांपल, ल्यूमिनस अब हमारे पास क्या हो सकते हैं, सन। सन से हमारे पास मतलब नेचुरली हमें लाइट मिलती है ना, तो नेचुरली वो ब्राइट भी है। तो ल्यूमिनस हमारे पास कौन सी चीज़ हो गई, सन। अब सन जब निकलता है वो ज़मीन से टकराता है तो क्या होता है कि ज़मीन हमारे पास रोशन हो जाती है। तो अर्थ हमारे पास अब क्या है, नॉन ल्यूमिनस। ओके, नाउ लुक एट ऑन योर बुक, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, चमकदार और गैर चमकदार चीज़ें। ऑलमोस्ट एनी थिंग कैन गिव आउट लाइट, कहते हैं कि हम हमेशा से देखते हैं कि हर एक चीज़ से लाइट निकलती है। We can see things that gives off their own light like the sun. हम देखते हैं कि चीज़ों से अपनी लाइट निकलती है, जैसे कि सूरज, an electric lamp, और जैसे कि बिजली का लैम्प, और a candle, और एक शम्मा। We can see other things because लाइट बाउंस ऑफ देम, हम जब दूसरी चीज़ों को देखते हैं, मतलब कि जब सूरज की रोशनी निकलती है तब हम चीज़ों को दूसरी चीज़ों को देखते हैं। तो बाउंस मीन टकराना। तो क्योंकि देखते ये हम क्यों देखते हैं, क्योंकि लाइट उन चीज़ों के साथ जब टकराती है तो इससे हमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं। दे रिफ्लेक्ट द लाइट, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट मीन कि एक तरफ से इस तरह लाइट आती है, दूसरी चीज़ से टकरा कर हमें फिर नज़र आती है। विच फॉल ऑफ देम, जो उस पर गिरती है। बॉडीज डेट हैव देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस, और वो चीज़ें जिनकी अपनी लाइट हो उसे हम कहते हैं ल्यूमिनस, लाइक सन। वाइल दोज अदर डेट हैव ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस, और वो दूसरी चीज़ें जिनमें लाइट ना हो और वो टकराने से नज़र आए, लाइट के टकराने से नज़र आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस। बच्चों, इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है कि एक रूम है, ठीक है, उस रूम में हमारे पास अंधेरा है। तो हम क्या करेंगे कि अंधेरा होता है, हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, ठीक है। जैसे ही हम लाइट लगाते हैं तो लाइट के लगने से हमें क्या, रूम में जितनी भी चीज़ें मौजूद हों वो तमाम की तमाम नज़र आने शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमने लाइट लगाई है तो लाइट की जितनी भी रेज हैं, शुआएँ वगैरह हैं, वो क्या होती हैं, हर एक चीज़ के साथ, चाहे वो दीवार है, जो चीज़ भी पड़ी है, अलमारी है, हर एक चीज़ के साथ टकराती है, फिर हमें वो चीज़ नज़र आती है। अगर लाइट ना टकराए चीज़ों के साथ तो फिर हमें चीज़ें भी नज़र ना आती। नेक्स्ट है लेज़र। लेज़र तो आप सब जानते हैं कि जैसे कि हमारे पास लेज़र लाइट होती है, उससे क्या होता है कि एक ही लाइन में एक ही रोशनी निकलती है और वो सीधी लाइन में सफ़र करती है रोशनी। अ लेज़र इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रे ऑफ लाइट विच इज़ वेरी नैरो एंड हैज़ ओनली वन कलर। कहते हैं लेज़र जो है हमारे पास बहुत ही मज़बूत किस्म की एक शुआ है लाइट की,
जो कि हमारे पास नैरो मीन के इस तरह सीधी, जैसा कि अब ये पेंसिल आप लोगों को नज़र आ रही है, इस तरह एक सीधी लाइन में जाती है एंड हैज़ ओनली वन कलर, और इसका एक ही रंग होता है। इट गिव्स आउट कंसनट्रेटेड हीट, और इसमें से एक ख़ास मिकदार में से हीट निकलती है। सो इट इज़ यूज्ड बाय सर्जन्स इन ऑपरेशन टू सील ब्लड वेसल्स। आप लोगों ने सुना होगा कि बाज़ औक़ात कोई भी ऑपरेशन हो तो क्या कहते हैं, खासकर ये किडनी हो गई, किडनी में स्टोन होते हैं, स्टोन का ऑपरेशन क्या कहते हैं कि हमने लेज़र ऑपरेशन किया, तो लेज़र के ज़रिए कहते हैं कि बाज़ औक़ात जैसे कि सर्जन्स मतलब कि जो सर्जरी करते हैं वो क्या कहते हैं, वो लेज़र लाइट को यूज़ करते हैं किसके लिए, टू सील दी ब्लड वेसल्स, कि वो ब्लड के वेसल्स को बंद कर सकें, एंड कट टिश्यूज़ एक्यूरेटली, और बाज़ औक़ात इसलिए भी यूज़ करते हैं कि वो इंसानी अज़ा को किसी भी ऑर्गन को ठीक तरीके से काट लें। लेज़र्स आर आल्सो यूज्ड इन कम्पैक्ट डिस्क प्लेयर्स। लेज़र को जो है हमेशा कहते हैं एक बंद किस्म की डिस्क मीन के गोल्ड सी, ऐसे गोल्ड सी चीज़ में यूज़ किया जाता है। मतलब जब लेज़र लाइट होती है वो किस में कम्पैक्ट होती है, लाइक दिस, कि एक गोल्ड सी चीज़ से वो एक डिस्क से निकलती है। एंड टू रीड द बार कोड्स ऑफ प्राइस टैग्स ऑन आइटम इज़ अ सुपरमार्केट, और ये हमें क्या मार्केट में हमें आसानी से मिल जाती है, किस तरह ये महंगी होती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर टुडे टॉपिक, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव लर्न ऑल डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग, आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट द रीडिंग। आई होप देयर इज़ नो डिफिकल्टी इन द रीडिंग। थैंक यू।